जैसा कि को विदित हो चुका है, भैया राम का ये राज्य उन्होंने अगले 14 वर्षों तक अपनी धरोहर के रूप में मुझे सौंपा है। पर इससे पहले कि इस राज्य के प्रति मैं अपने कर्तव्य का स्वीकार करूं, मैं आप सभी मंत्रियों से एक प्रश्न बताऊं। आज से कुछ समय पहले महाराज दशरथ ने एक राज्यसभा में भैया राम को राजा बनाने का अपना मनोरथ आप सभी के समक्ष रखा था और आप सभी ने बड़ी प्रसन्नता से एकमत होकर उस प्रस्ताव का स्वीकार किया था। फिर एक ही रात में कुछ ऐसा हुआ कि महाराज ने अपनी एक शहीदी रानी के कहने पर सर्वसम्मति से लिए गए निर्णय को ठोकर मारकर भैया राम को दिया हुआ राज्य उनसे छीन कर मुझे दे दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब महाराज ने अपने व्यक्तिगत कारणों के लिए राजहित में लिए गए निर्णय को बदला, तो आप में से किसी ने उनसे पूछा कि हमारे मत का क्या हुआ, या आप में से किसी ने उनके अनिश्चित निर्णय का विरोध किया? नहीं। मैं पूछता हूं क्यों? अन्याय के विरोध में मौन रहना भी एक अन्याय है। मैं मानता कि महाराज से भूल हुई है, पर उतनी ही भूल आप लोगों की भी है। क्षमा कीजिए, पर यदि आप में इतना साहस नहीं एक राजा के अनुचित निर्णय का विरोध कर सके, उसे उसी भूल का स्मरण करा सके, तो आपको आपके पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि आपका पद आपकी योग्यताओं को देखकर दिया गया है, आपकी कार्य कुशलताओं को देखकर दिया गया है, और इस पद का मान रखना आपका प्रथम कर्तव्य। आज हम सभी को यह सुनिश्चित करना है हमारे कार्यकाल में हमसे ऐसा कोई कार्य ना हो, हम ऐसा कोई निर्णय न ले जो भूल बन जाए और जिसका मूल्य समस्त राज्य को चुकाना पड़े। मेरा आपसे एक ही अनुरोध है कि भविष्य में जब भी आप अपना मत दें, तो अपने अधिकारों का स्मरण करके अपने पद के महत्व को जानकर ही अपना मत दें, भले ही आपका मत उस प्रस्ताव के हित में हो विरोध में। यदि आप में से किसी को यह भी संदेह होता है कि स्वयं मैं अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रहा हूं, तो बिना किसी संकोच के आप मुझे या गुरुदेव को संकेत कर सकते हैं। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आपको संतुष्टि होगी वैसा, और आपके संदेह को दूर करने का अवश्य किया जाएगा। शास्त्रों का निर्देश है कि जिस स्थान में दुष्टता आ जाए, जो स्थान मलिन हो जाए, वो स्थान भगवान के निवास के योग्य नहीं रहता। आज पूरी की पूरी अयोध्या मंथरा की विचारधारा के कारण महारानी के मन की तरह मलिन हो चुकी है, को द्वेष ईर्ष्या और मोह ने ग्रस्त कर लिया है। कहते हैं पछतावा से बड़ा कोई प्रायश्चित नहीं होता, पर केवल पछतावा हाथी के जान के समान होता है, और हमें केवल पछतावे से हमारी भूलों की क्षमा नहीं मिलेगी। जब तक प्रायश्चित के पौधे को परिश्रम से पसीने नहीं सींचा जाता, तब तक उसमें विश्वास के फूल पुलह नहीं खिलते और क्षमादान का फल नहीं मिलता। आज हम सब अपनी अपनी भूल पर पछता रहे हैं, पर उसे भूलकर आज 14 वर्षों का यह अमूल्य समय है जहां पे हम अपने शुभ संकल्प से, अपने आचरण से, अपने कार्य से प्रजा का हित और राज्य की सुरक्षा करते हुए इस अयोध्या नगरी को पुनः वो मंदिर बनाए जहां पर भैया राम और भक्ति स्वरूपा मां सीता पुनः निवास कर सके। पर यह कार्य मैं अकेला नहीं कर सकता। इस राज्य के भाग को संभालने के लिए मुझे आप लोगों के मार्गदर्शन की, आपके सहयोग की आवश्यकता होगी। मैं आशा करता हूं कि काल और समय तीन बरस मेरे दुर्व्यवहार को न देखते हुए एक बालक समझकर आप मेरा मार्गदर्शन अवश्य करेंगे। गुरुदेव,
मुझे आशीर्वाद दीजिए गुरुदेव कि मैं अपने धर्म और अपने कर्म का पूर्ण निष्ठा से पालन कर सकूं। कुमार भरत, इस महान रघुकुल में उत्पन्न हुए तुम्हारे पूर्वजों के समस्त सुकृत पुण्यफल और सुंदर संस्कार सब तुम्हें एकत्रित हो चुके हैं। यशस्वी भव। युवराज की जय हो। महारानी कैकेयी आपसे मिलना चाहती हैं। भरत, उचित यही रहेगा कि तुम महारानी कैकेयी से एकांत में मिलो। जो हक है गुरुदेव, महारानी कैकेयी बुलाया जाए। हम सभी अब प्रस्थान करते हैं। महारानी कैकेयी, आप यहां? यदि कोई संदेशा था तो किसी सेवक के हाथों भिजवा दिया होता। अब आप जैसी महारानी को अपना राजमहल छोड़कर इस साधारण सी कुटिया में आना शोभा नहीं। भरत, तुझे इस दशा में देखकर मुझे बड़ा ही दुख होता है। सुना है कि तू गड्ढे के अंदर सोता है। मेरे प्रभु श्री राम धरा पर सोते और सेवक का स्थान स्वामी के नीचे होता है। और अगर देखा जाए तो यह गड्ढा मेरे लिए आप नहीं खोदा है। पर रहने दीजिए महारानी, ये सब बातें आपकी बुद्धि के परे हैं। आप वो कहिए जो कहने आई है। कहने से पहले मैं ये जानना चाहती हूं कि सुनने वाला एक राजा है या एक पुत्र? माता होने का अधिकार आप खो चुकी हैं। और राजा? राजा मैं कभी बनूंगा नहीं। पर हां, भैया राम का एक सेवक यहां पर उपस्थित है जो आपकी बात को अवश्य सुनेगा, और यदि आपकी बात न्याय संगत हुई तो उस पर कार्य भी अवश्य किया जाएगा। कहिए जो कहना है। मुझे मेरी भूल का स्मरण हो चुका है। मैं पश्चाताप करना चाहती हूँ। मैं भी यहाँ एक तपस्विनी की भांति तुम्हारे साथ संधि ग्रह में रहना चाहती हूँ। आपने जो किया वो भूल नहीं, अपराध है। और कुछ अपराध ऐसे होते हैं जिसका कोई प्रायश्चित नहीं होता। और तपस्वी का जीवन किसी भी राह चलते स्वार्थी और कपटी व्यक्ति के लिए नहीं होता। महारानी, आपने राज्य मांगा था और उस राज्य को पाने के लिए आपने अपने पति के प्राणों की आहुति दे दी, अपनी बहू और अपने बेटे को देश निकाला दे दिया, और न जाने कितनों को 14 वर्षों की अग्नि में झोंक दिया, और एक मां को अपने बेटे से अलग कर दिया। अब आपके इतने सारे बलिदानों को व्यर्थ कैसे जाने दे सकते हैं महारानी? नहीं महारानी, नहीं, आपको राजमहल के सुखों से वंचित नहीं किया जा सकता। बस कर भरत, बस कर। मुझ मरी हुई को अपने इस तलवार जैसे वचनों से और मत मार। मुझे राजमहल का सुख नहीं चाहिए। वहां का ऐश्वर्य मुझे सुई के समान चुभता है। राजभोग मुझे विष जैसा लगता है। मैं रात को सो नहीं पाती। भरत, हृदय में एक चित्कार सा उभरता रहता है। मेरी दशा तो उस अकबरे पशु की तरह है जो ना जी सकता है और ना भर सकता है। मुझ पे दया कर भरत, मुझे राजमहल में रहने का कोई डर मत दे। मत दे।
यदि आपको ये घोर दंड लगता है तो कदाच उसी में आपका भला हो। इस पीड़ा से मत भागो। जब आपका एकांत आपको काटने को दौड़ेगा तब आपको पता चलेगा कि एक मां के लिए उसके बेटे से दूर होने का दुख क्या होता है। अरे आपकी तपस्या तो इसी में है कि आप उसी राजमहल में रहकर दिन रात पश्चाताप अग्नि में जलती रहे, कदाचित उसी से आप पाप मुक्त। जाओ महारानी कैकेयी, जाओ, आपका राजमहल ही आपकी तपोभूमि है। महारानी कैकेयी, तू उस दुष्मंत्र के बहकावे में क्या आ गई? तूने तो इतिहास में अपना नाम ही रोशन कर दिया। महारानी कैकेयी ने इतिहास में अपना नाम रोशन कर दिया। इतना क्रूर न बन कैकेयी, राम राम तेरा ही पुत्र है। अगर तूने अपने हट को नहीं छोड़ा तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। फिर तुम स्वयं को एक विधवाई समझना, विधवाई समझना। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम माता। आप दोनों के सेवा में आपका पुत्र राम उपस्थित है। मेरे लिए क्या आदेश है? क्या बात है पिताश्री, आपकी आंखों में अश्रु। रणभूमि में जिसके एक हुंकार से शत्रु हृदय दहल जाते हैं, ऐसे मेरे नरसिंह पिताश्री की आंखों में अश्रु। आपको किस बात का दुख है पिताश्री? मां क्या बात है, पिताश्री के दुख का कारण क्या है? मां क्या इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं? मैं राजवैद्य को बुला लाऊं। राम, जो दुख इन्हें है इनकी दवा कोई वैद्य नहीं दे सकता। इनके रोग निवारण की औषधि केवल तुम्हारे पास है। मेरे पास? परंतु रोग क्या है मां? तुम्हारा मोह। आज इनका पुत्र प्रेम इन्हें इतना दुर्बल बना चुका है कि ये अपने धर्म परायण परंपरा को भी कलंक लगाने के लिए तैयार है। माता मुझे क्षमा करें मां, परंतु आपके श्रीमुख से पिताश्री के लिए ऐसे वचन उचित नहीं। हर पिता अपने पुत्र से प्रेम करता है, तो वो प्रेम मोह तब बनता है जब वो धर्म से विरुद्ध हो।
मेरे पिता तो धर्म और न्याय की मूर्ति है। वे ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिसे रघुवंश की कीर्ति को धक्का लगे। माँ वही तो कर रहे तुम्हारे धीर और वीर पिता। मैं नहीं मानता। पिताश्री आप एक बार अपने मन की बात कहकर तो देखिए। आपके संकेत मात्र से आपका ये पुत्र राम हलाहल विष को भी पानी समझकर पी जाए, जलती हुई अग्नि में अपने आप को एक क्षण में झोंक दे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं पिताश्री कि आपके मुख से निकले गए प्रत्येक शब्द को महादेव का वचन मानकर पालन करूंगा। बताइए क्या बात है। मां आप ही मुझे पिताश्री के दुख का कारण बताइए और यह भी बताइए कि उसका निवारण क्या हो सकता है। मैं तुम्हें बता तो दूं राम, पर मुझे संदेह है कहीं तुम अपने आदर्श पिता की तरह अपने वचनों से पीछे ना हट जाओ। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है मां कि जिस राम को आपने अपनी गोद में खिलाया आज उसी राम पर आप संदेह कर रही है। अवश्य ही मेरे पुत्र धर्म में कोई कमी रह गई होगी जिसके कारण मेरे पिताश्री मुझसे बात नहीं करते और मेरी माता मुझ पर संदेह कर रही है। मां मेरी ओर देखिए। मां मैं आपका वही पुत्र हूं राम। आप निसंकोच होकर सब कुछ कह दीजिए। मां ठीक है तुम कहते हो तो मैं बताती हूं। मैंने देवासुर संग्राम में महाराज के प्राणों की रक्षा की थी और उसी उपहार स्वरूप महाराज ने प्रसन्न होकर मुझे दो वर दिए थे। आज उचित समय आने पर धरोहर में रखे हुए उन दो वरों को मांग लिए हैं। अब ये बेचारे इस दुविधा में है कि अगर वो उन दो वरों की पूर्ति करते हैं तो इनके प्राण से भी अधिक प्यारे पुत्र के साथ अन्याय होगा और अगर नहीं करते तो युग युग तक जिस कुल के लोग कस्में खाते हैं उस उज्जवल राजवंश में धब्बा लगता है। अब इसी धर्म संकट ने इन्हें विचलित कर दिया है। बेचारे राजा। वो दोनों वर क्या है मां? मेरा पहला वर है तुम्हारी जगह भरत का राज्य अभिषेक और दूसरा वर तुम 14 वर्ष तक मुनियों की तरह तपस्विनियों के वेश में वन में रहो। बस इतनी सी बात? इतनी सी बात के लिए इतना विवाद था? अरे मां ये तो बड़ी प्रसन्नता की बात है। राजा मैं बनूं या भरत एक ही तो बात है मां। छोटा भाई तो पुत्र के समान होता है। भरत के राज्य अभिषेक से मुझे उतनी ही प्रसन्नता होगी जितनी प्रसन्नता पिताश्री को मेरे राज्य अभिषेक से होती। मां और भरत, भरत जैसे भाई के लिए अयोध्या का राज्य तो क्या, मैं अपने आप को भी हंसते हंसते समर्पित कर दूं। और रहा प्रश्न वनगमन का तो मां ये वरदान देकर तो आपने मुझे धन्य कर दिया। वन में रहकर ऐसे ऐसे महान ऋषि मुनियों के दर्शन कर सकूंगा जिनका तेज तीनों लोकों में प्रकाशित है। मेरा तो चारों ओर से कल्याण हो गया। पिता की आज्ञा का पालन, माता की इच्छा का अनुकरण, छोटे भाई का राज्य अभिषेक और मुनि दर्शन से मेरा कल्याण। मैं धन्य हो गया मां, मैं धन्य हो गया। पिताश्री दुख तो केवल इस बात का है कि इतनी सी बात के लिए आपने अपने आप को इतनी भारी पीड़ा पहुंचाई। केवल वन ही तो जाना है। मुझे आशीर्वाद दीजिए पिताश्री कि आपके दिए हुए वचन अनुसार मैं अपने धर्म का पालन करके अपने जीवन को धन्य कर सकूं। मैं माता कौशल्या और माता सुमित्रा से वन जाने की आज्ञा लेकर आपके चरण वंदना के लिए अभी आया।
अच्छा मां, मुझे अनुमति दीजिए। चौदह वर्ष का वनवास, ये तू क्या कह रहा है राम? मुझे तो तेरे शब्दों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। कई कई ऐसे नहीं कर सकती, कई कई तो तुझे भरत से भी अधिक प्रेम करती है राम। फिर उसने ऐसे क्यों किया? नहीं नहीं, तू कहीं नहीं जा सकता राम, मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। परंतु पिता की आज्ञा है मां। केवल पिता की आज्ञा और माता की आज्ञा का क्या? पिता के साथ साथ माता की आज्ञा भी आवश्यक होती है राम। मैंने कहा ना, तू कहीं नहीं जाएगा, और अगर तू गया तो मैं भी अपने बछड़े से बिछड़ी हुई गैया की तरह तेरे पीछे पीछे आऊंगी राम, तेरे पीछे पीछे आऊंगी। मैं तेरे बिना नहीं जी सकती राम, मुझे भी अपने साथ ले चल, मुझे भी अपने साथ ले चल। माँ की ममता बावरी नहीं माने कोई बात, बन जाने की बात पर कहे कौशल्या मात। सुन सुन है प्रियता, चलेगी वनवास में जो संग मेरे, पतिव्रत धर्म यहाँ कौन निभाएगा? मेरे चले जाने से जो शोकाकुल होंगे पिता, ये तो सोच कौन उन्हें धीरज बंधाएगा? मेरे बन आप मेरे साथ नहीं जा सकती। पहले सुहाग, फिर संतान, यही आर्य नारी का महान आदर्श रहा है। आपके पति ही आपकी गति है और उनकी सेवा आपका धर्म। और मां, 14 वर्ष होते ही कितने हैं? मैं बस यूं गया और यूं आया। केवल 14 वर्षों के बाद मैं आपके सेवा में पुनः लौट जाऊंगा मां। केवल 14 वर्ष? कितनी सहजता से कह दिया रे तूने, 14 वर्ष। पर तेरे विरह में मैं इतने साल नहीं जी पाऊंगी राम। 14 वर्ष वनवास की आज्ञा मांगकर तूने मेरे प्राण ही मांग लिए राम, मेरे प्राण ही मांग लिए। माता, माता, क्या हो गया सीता?
मैं भी आपसे वन जाने की आज्ञा मांगने आई हूँ माँ। सीता, जिसके पैर मुलायम मखमल से कभी नीचे नहीं पड़े, वो वन के कांटे भरे रास्तों पर कैसे चल सकेगी? विषैले नाग, हिंसक वाघ और भयंकर राक्षसों से भरे उस वन में तुम कैसे रहोगी? नहीं, तुम मेरे साथ नहीं जा सकती। जहां मेरे नाथ मेरे साथ होंगे, वहां मुझे किसी का भय नहीं होगा। माता, इनसे कहिए ना मुझे भी अपने साथ ले चले। परंतु सीता, पुत्र वधु का कर्तव्य होता है कि वे घर के सभी सदस्यों की सेवा करें। अपने सारे संबंधों को तुम्हें ही संभालना होगा, इसलिए तुम यही रहोगी सीता। आर्य, जब एक स्त्री ब्याह के आती है तो उसका सबसे पहला संबंध उसके पति से जुड़ता है, और पति के कारण ही परिवार के सारे सदस्यों से संबंध जुड़ते हैं। अगर आप मुझे अपने साथ नहीं ले जा सकते तो ठीक है, आपको कुछ देर रुकना होगा। मेरी चिता को अग्नि देकर आप जहां चाहे वहां जा सकते हैं। नहीं सीता, मैं आपके बिना में जीवित नहीं रह पाऊंगी और विष पान कर लूंगी। मुझे भी अपने साथ ले चलिए, मुझे भी अपने साथ ले चलिए। राम, अब कुछ ही देर पहले तू मुझे नारी धर्म समझा रहा था, तो अब सीता के लिए वो धर्म अलग कैसे हो गया? ठीक है सीते, चलने की तैयारी कर। भैया, भैया, जो मैंने सुना क्या वो सच है? उस कैकेयी के कहने में आके महाराज ने आपको दिया हुआ राज्य आपसे छीनकर उस भरत को दे दिया। लक्ष्मण, माता कैकेयी को कैकेयी कहकर पुकार रहे हो? आपके लिए होगी वो माता, मैं उस कुलघातिनी को माता नहीं कहूंगा। लक्ष्मण, और क्या सोचा महाराज ने कि राम तो सरल है, जो कहेगा चुपचाप मान लेगा? पर कदाचित वो ये नहीं जानते कि राम के नाम पे मर मिटने वाले अभी तक जीवित है, वो अन्याय कभी होने नहीं देंगे। ये तू कैसी बातें कर रहा है लक्ष्मण? वो राज्य पिताश्री का है, वो जिसे चाहे दे सकते हैं। दे सकते हैं नहीं, दे सकते थे, पर जो राज्य आपको सर्वसम्मति से दिया जा चुका है उसे एक नारी के कहने पर आपसे छीना नहीं जा सकता। अगर मुझे बोलने नहीं दिया गया तो ये मेरे शस्त्र बोलेंगे, और मेरे शस्त्र केवल एक ही भाषा समझते, अन्याय का विरोध और अपराधी को दंड, चाहे वो भाई हो, पिता हो, या कोसलराज की पूरी सेना। वाह, क्या आदर्श स्थापित किया है आज तुमने। तुम अपने पिता पर शस्त्र उठाओगे लक्ष्मण, यह है तुम्हारी वीरता। वीरता केवल शस्त्र उठाने को ही नहीं कहते लक्ष्मण, कभी कभी शस्त्र न उठाना परम वीरता की निशानी हो सकता है। इतिहास साक्षी है, जो कोई स्त्री मोह में फंसा है उसकी यही दशा। उनका संकट स्त्री मोह नहीं है लक्ष्मण, उनका संकट है धर्म। आज एक सत्यवादी राजा का धर्म एक पिता के धर्म से टकरा रहा है। एक ओर पुत्र का प्रेम और दूसरी ओर दिए हुए वचन की पूर्ति। उनकी स्थिति तो आज उस घायल शेर की तरह है जो निसहाय अवस्था में शिकारी के जाल में फंस चुका है, और तुम उस असहाय शेर पर अपने बाणों से वार करना चाहते हो? धिक्कार है ऐसी वीरता पर। आज जब मैंने अपने पिताश्री को उस असहाय अवस्था में देखा तो मुझे अपने आप से घृणा होने लगी कि मेरे कारण मेरे धर्मात्मा पिता इतने दुखी है। लक्ष्मण, जो पिता की सेवा नहीं करता उसका ना तो कोई वर्तमान होता है और ना ही कोई भविष्य। हमारे पिता जैसे पिता तो बड़े भाग्य से मिलते हैं लक्ष्मण। तो क्या माता कैकेयी के इस अन्याय को हम यूं ही सह ले? मैं तो माता कैकेयी को दोषी ही नहीं मानता। बचपन से लेकर आज तक उन्होंने हमें कितना स्नेह, कितना दुलार दिया वो भूल गए? अरे वो तो ममता की मूर्ति है। वो ममता की मूर्ति एक ही दिन में पत्थर की कैसे हो गई, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। उसने आज प्रमाणित कर ही दिया ना कि सौतेला सौतेला ही होता है। लक्ष्मण, संसार में कई बातें ऐसी होती है जो मनुष्य की समझ में नहीं आती। अकस्मात एक दिन भूकंप आ जाता है
और मनुष्य का जीवन उथल पुथल हो जाता है। ऐसे समय हमें किसी को दोष नहीं देना चाहिए, उसे अपने कर्मों के आधार पर मिलने वाले फलों की तरह अपना प्रारब्ध मानकर स्वीकार कर लेना चाहिए। ठीक है भैया, अगर आपके प्रारब्ध में वन जाना लिखा है तो लक्ष्मण का भी यही प्रारब्ध होगा। नहीं लक्ष्मण, वनवास केवल मुझे हुआ है, तुम्हें नहीं। भैया लक्ष्मण आपसे अलग कब से होगी? मेरे क्रोध का इतना बड़ा दंड ना दे मुझे, मैं आपके बिना तो अपने अस्तित्व की कभी कल्पना ही नहीं कर सकता। और आप भी तो कहते थे जहां राम है वहां लक्ष्मण भी होगा, लक्ष्मण मेरी दूसरी अंतर आत्मा है। तो मुझे अपने से अलग मत कीजिए भैया, अपने से अलग मत कीजिए। परंतु भरत और शत्रुघ्न भी यहां नहीं है लक्ष्मण, माता पिता गुरु सगे संबंधियों को कौन संभालेगा? मेरे लिए तो गुरु माता पिता सगे संबंधी सब आप ही, आपसे बिछड़ के तो मैं अपने आप को नहीं संभाल पाऊंगा, तो सबको संभालने का तो प्रश्न ही नहीं भैया। समझने का प्रयास करो लक्ष्मण, माता सुमित्रा क्या कहेगी? माता सुमित्रा क्या कहेगी? माता सुमित्रा कहेगी लक्ष्मण, अहो भाग्य तेरे कि तुझे अपने भाई की अखंड सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। निस्वार्थ सेवा की परिभाषा क्या है ये बतलाने का सौभाग्य विधाता ने तुम्हें दिया है मेरे लाल। तो जाओ पुत्र, जब राम सीता ही यहां ना हो तुम्हारा अयोध्या में कोई काम नहीं। माता आज तुमने मेरा मस्तक सगरीव से ऊंचा कर दिया। रामम दशरथम विद्धि माम विद्धि जनकात्मजम अयोध्या मटवीम विद्धि गच्छतात यथा सुखम। लक्ष्मण आज से महाराज दशरथ के स्थान पर श्री राम ही तेरे पिता हैं, सीता तेरी माता और वन ही तेरी अयोध्या है। तेरा ये वनवास शुभदायक हो पुत्र, इनकी खूब सेवा करना। ये सो जाए तो वहां पहरा देना, ये भोजन कर ले उसके उपरांत कुछ बच जाए तो खाना। इतनी सेवा करना कि पुत्री सीता को कभी अयोध्या की याद ना सताए और महलों के सारे सुख भूल जाए। लक्ष्मण इतना स्मरण रहे कि संसार में सेवक का धर्म सबसे कठिन धर्म है और अपने इस सेवक धर्म को इतना अच्छा निभाना, इतना अच्छा निभाना कि आने वाले युगों युगों तक जब जब राम का नाम लिया जाएगा साथ में लक्ष्मण का भी नाम लिया जाएगा। धन्य है तू सुमित्रा, धन्य है तेरी कोख। राम मैं लक्ष्मण को तुम्हें सौंप रही हूं, अब ये सुमित्रा और उर्मिला के धरोहर के रूप में तेरे पास रहेगा, जैसे ले जा रहे हो वैसे ही लौटाना। अब चिंता ना करे माँ, मेरे भाई मेरा जीवन है, लक्ष्मण मेरे प्राण है, तो भरत मेरी आत्मा है और शत्रुघ्न मेरा गर्व। मैं लक्ष्मण को अपने प्राणों से भी अधिक सहज कर रखूंगा माँ, हमें अनुमति दीजिए।
लखन सियाले राम के वियोग में महाराज दशरथ ने अंततः अपने प्राण त्याग ही दिए। सारा अयोध्या दुख के अंधेरे में और धस गया, मानो ऐसे कि इस रात का कभी कोई सवेरा होगा ही नहीं। कौशल साम्राज्य मझधार में फंसी एक डूबती हुई कश्ती बन गई। वहां ननिहाल में ठहरे भरत और शत्रुघ्न को तत्काल संदेशा देकर अयोध्या बुलवा लिया गया। तुम्हारे सुपुत्र को सीधे तुम्हारे पास ले आई हूँ। हाँ, ये बेचारी तो कब से तुम्हें देखने के लिए व्याकुल हो रही थी। ये आज आपने कैसे वस्त्र पहने हैं माँ? आपके आभूषण कहाँ हैं? आपकी मांग में सिंदूर नहीं, आपका ये मौन मेरे हृदय में संशय को उत्पन्न कर रहा है मां। पिताश्री कहां है मां? पिताश्री कहां है? भरत, तुम्हारे महात्मा सत्यनिष्ठ पिता परम धाम सिधार गए। नहीं, नहीं, मेरे हृदय की वो व्याकुलता, मेरे हृदय का वो भय अंततः फलीभूत हो ही गए मां। वो अनहोनी हो ही गई मां, वो अनहोनी हो ही गई। धीरज रखो मेरे लाल, मृत्यु इस संसार का अटल सत्य है। तुम्हारे जैसे धीर और वीर पुरुष इस पर शोक नहीं करते। मैं कितना भागा हूं मां, पिताश्री के अंतिम दर्शन भी नहीं कर सका। पिताश्री को ऐसा कौन सा दुख हो गया था मां कि मेरे आने तक नहीं रुके? आप सब तो यहां थे, केवल मैं और शत्रुघ्न ही नहीं थे। पिताश्री ने मेरे अपने अंतिम समय में हमारा स्मरण किया होगा ना मां, हमें बुलवाने को कहा होगा मां। बताइए ना मां, पिताश्री के अंतिम शब्द क्या थे मां? बताइए, पिताश्री के अंतिम शब्द क्या थे? उनके अंतिम शब्द थे, हे राम। राम? तो क्या भैया राम भी पिताश्री के पास नहीं थे? नहीं, भरत, तू नहीं जानता तेरे अनुपस्थिति में यहां क्या क्या खेल खेला गया है। महारानी कौशल्या ने अपने राजमाता बनने के महत्वाकांक्षा को पूरा करने हेतु महाराज को अपने शब्द जाल में फंसाकर राम का राज्य अभिषेक सुनिश्चित कर दिया। पर मेरे होते हुए मैं तेरे साथ ही अन्याय कैसे होने देती? मैं बोली, इन सबके दुराचार को समझ ही नहीं पाई। वो तो भला हो उस मंत्रा का जिसने सही समय आने पर धरोहर में रखे हुए उन दो वचनों का स्मरण करवाया और घोर अनर्थ होने से रोक दिया। महारानी कौशल्या जो राम के लिए चाहती थी
वो मैंने तेरे लिए मांग लिया। मेरे पहले वर में तेरे लिए अयोध्या का पूरा राज्य, और क्योंकि तेरे राज्य में कोई विरोधी ना हो इसलिए मेरे दूसरे वर में राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। राम के साथ सीता और लक्ष्मण भी चले गए बिना प्रयास के। भरत, महाराज के निधन का दुख हम सबको है, परंतु ये अश्रु बहाने का समय नहीं है। इसलिए अब धैर्य धारण करो और एक आदर्श पुत्र की तरह अपने अयोध्या के विशाल राज्य को संभालो। महाराज भरत, अरे तू कुछ बोलता क्यों नहीं और मेरी तरफ इतने घृणा से क्यों देख रहा है? मैंने जो कुछ भी किया तेरे भले के लिए किया है। भला? अरे तूने मेरा भला नहीं मेरा सर्वनाश कर दिया। इस कुकर्म से तूने मुझे रघुकुल का सबसे कलंकित पुरुष बना दिया। अरे पापिनी कुलनाशिनी, इससे तो अच्छा होता कि मेरा जन्म होते ही तू मेरा गला घोट के मुझे मार देती, ताकि आज मैं अपयश की मौत तो न मरता। मेरे भाग्य की विडंबना तो देखो, मुझे रघुकुल जैसा उज्जवल वंश मिला, महान पराक्रमी सत्यनिष्ठ धर्मात्मा महाराज दशरथ जैसा पिता मिला, तीनों लोकों में वंदनीय और पूजनीय भैया राम जैसा भाई मिला, और तुझ जैसी कुल घातिनी और नीच माता के गर्भ से जन्म दिया गया। इससे बड़ा परिहास किसी का क्या होगा? हे विधाता, इससे बड़ा परिहास किसी का क्या होगा? भावना के आवेश में आकर तू न्याय संगत बात को सोच ही नहीं पा रहा है। इस राज्य पर जितना अधिकार उस कौशल्या के पुत्र का है उतना तेरा भी है। तो क्या हुआ अगर राम के बदले तू राजा बन जाता है? तो न्याय संगत? अरे सबसे बड़ा अन्याय तो तूने किया है। स्वार्थ और महत्वाकांक्षा ने तेरी बुद्धि को कुंठित कर दिया है। तू ये समझ ही नहीं पा रही कि राज्य पर केवल बड़े का अधिकार होता है। अरे तू तो कई कई देश की है ना, वहां पर तो मोर भी ये जानते हैं और ये समझते हैं कि जन्म से ही जिसके सर पे राजा का मुकुट हो वही राजा बनता है। पशु पंखी भी समझते हैं पर तू नहीं समझ पाई। और भैया राम तो सर्वगुण संपन्न महापराक्रमी महाबली और सत्यनिष्ठ है, जो स्वप्न में भी कभी किसी का हित नहीं सोचते। अरे पशु पक्षी भी जिससे प्रेम करते हैं, जो उनसे घृणा करते हैं उनका भी वो हित सोचते हैं, ऐसा राजा बड़े भाग्य से मिलता है। ऐसे भैया राम को वन भेजने का वर मांगने से पहले तेरी जीवा कट क्यों नहीं गई? उसमें कीड़े क्यों नहीं पड़ गए? मूर्ख है तू, हाथ आए हुए भाग्य को ठुकराना चाहता है। मेरा भाग्य तो उसी दिन फूट गया जिस दिन मेरे भैया राम वन को चले गए। वो राम जो तुझे अपनी माता से अधिक प्रेम करते हैं, वो कौशल्या माता जो तुझे अपनी बहन से अधिक मानती है, अरे उनके एकलौते पुत्र को वन भेजने से पहले तेरी आत्मा ने चित्कारा नहीं तुझे? तेरा हृदय खंड खंड नहीं हो गया? तू मां नहीं, तू वो नागिन है जो भूख लगने पर अपने ही अंडों को खा जाती है। तू मानवता के रूप में कोई राक्षसी है, राक्षसी जिसने अपने स्वार्थ और महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए खत्ते खेलते परिवार में आग लगा दी। तू माता नहीं, माता के नाम पे एक कलंक है। भरत, अगर माता तेरी जैसी होती है तो संसार के समस्त संतान बिन मां रहना पसंद करेंगे। यदि भैया राम के सिखाए हुए मूल्यों का स्मरण ना होता और यदि तू नारी ना होती
तो तेरे इस घोर अपराध के लिए मैं तुझे वो दंड देता जो यमराज के नियम में भी नहीं है। पर नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे भय है कि मेरा ऐसे करने पर भैया राम मेरा परित्याग न कर दे। इसीलिए विवश हूं। पर एक कार्य मैं कर सकता हूं कि आज के बाद न तू मेरी मां है और ना मैं तेरा पुत्र। भरत, अपनी मां को मां नहीं मानने वाला पुत्र नरक का अधिकारी होता है। नहीं, मैंने जो कुछ भी किया तेरे लिए किया है। नहीं, मैं तेरी मां हूं भरत। नहीं, तेरी मां। मुझे जन्म जन्मांतर तक नरक में रहना स्वीकार है, पर तुझे माता कहना स्वीकार नहीं। आज समस्त सृष्टि को साक्षी मानकर ये दशरथ पुत्र भरत कैकेयी का परित्याग करता है। नहीं भरत, भरत। और आज के बाद तेरे इस भवन में जहां मेरे पिता की गोद में मेरा बचपन बीता, जहां जिनके प्रेम की स्मृतियां हैं, इस भवन में भी लौट कर कभी नहीं आऊंगा। कभी नहीं आऊंगा, लौट कर कभी नहीं आऊंगा। मैं भरत, भरत तू आ गया पुत्र। हाँ माँ। भरत तू राज्य चाहता था ना पुत्र। माँ। तो ले, अब ये विशाल निष्कंटक राज्य तुझे मिल गया। तू राजा बन गया पुत्र। नहीं माँ। और कई कई राज माता, अब तुम दोनों मिलकर बस मुझ पर एक उपकार कर दो, मुझे मेरे राम के पास भेज दो। भरत, मैं राम के बिना नहीं जी सकती, मुझे मेरे राम के पास भेज दो। माता, या क्या कह रही है मां, मैं अभी अभी उस स्त्री का परित्याग करके आया हूं जिसने मुझे जन्म दिया है, उस मां के पास जिसने मुझे जीवन दिया है। मैं तो आपके पास उस आशा में आया था कि आपकी गोद में सर रखकर मेरे जलते हुए हृदय और घायल आत्मा को शांति मिलेगी। मां, मैंने बचपन से लेकर आज तक आप ही की गोद में अधिक स्नेह पाया है। मुझे पूरा विश्वास था कि समस्त संसार मुझ पर संदेह कर सकता है, यहां तक कि भैया राम भी मुझ पर संदेह कर सकते हैं, पर मेरी मां मुझ पर कभी संदेह नहीं करेगी। जिस भरत को बचपन से आपने आपके आंचल की छांव दी है, आज उसी भरत पे आप संदेह कर रही है मां। पर इसमें आपका कोई दोष नहीं मां, दोष मेरे भाग्य का है। मुझ जैसे कुल के कलंक को माता का प्रेम नहीं मिलना चाहिए मां, नहीं मिलना चाहिए। आपने सोच कैसे लिया मां कि जिस महाराज दशरथ ने अपने वचन पूर्ति के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, जो भैया राम ने पिता की आज्ञा जानकर इस विशाल राज्य को छोड़कर वन का मार्ग ले लिया हो, उस दशरथ का पुत्र भरत, उस भैया राम का छोटा भाई भरत, कैसे मां
अब मैं आपको कैसे विश्वास दिलाऊं मां कि जो कुछ भी हुआ मैं उससे अनभिज्ञ था मां, मैं कुछ नहीं जानता था। मैं ईश्वर को साक्षी मानकर यह कहता हूं कि जो कुछ भी हुआ अगर उसमें मेरी लेश मात्र भी सम्मति रही हो तो गुरु का दिया हो वह समस्त ज्ञान, वो सारी शिक्षाएं अभी है कि अभी नष्ट हो जाए मां। इस संसार के सभी पापियों के पाप के दंड को मैं अकेला भूगू और जन जन्मांतर तक नरक की यातना करूं अगर मैंने महारानी कैकेयी को ऐसा करने को उकसाया हो तो मां, अगर मैंने स्वप्न में भी ऐसा सोचा हो कि इस राज्य पर मेरा अधिकार है उसे पाने की चेष्टा भी की हो तो मुझे अभी के अभी मृत्यु आ जाए मां, मुझे अभी के अभी मृत्यु आ जाए। बस कर भरत, बस कर, ऐसा कहकर मुझे और दुखी मत कर। मैं जानती हूं तू निर्दोष है, तेरा मन गंगा जल के समान पवित्र है, पर इस दुखी मां का हृदय उस पुत्र के लिए व्याकुल है जो अभी उसके आंखों के सामने नहीं है। महाराज ने तो राम के विरह में अपने प्राण त्याग कर अपने प्रेम का प्रमाण दे दिया, और एक मैं हूं जो इतना सब देखने के बाद भी जीवित हूं भरत। नहीं मां, जीवित हूं नहीं मां, भैया राम के विरह में जीना भी मृत्यु से कम नहीं मां। अरे मरना तो फिर भी सरल है, पर भैया राम के विरह में जीना अत्यंत कठिन है मां, अत्यंत कठिन है। अरे भैया राम तो रोम रोम में बसने वाली वो आत्मा है जिनके बिना आज ये समस्त अयोध्या एक शमशान बन चुकी, ठीक उसी तरह जैसे बिना प्राण का शरीर। पर आप चिंता मत कीजिए मां, आपका ये बेटा आपके राम को वन से लाकर इस निर्जीव अयोध्या में पुनः प्राण भर देगा मां, पुनः प्राण भर देगा। ऐसे स्वप्न मत दिखा भरत, ऐसे स्वप्न मत दिखा। यदि यह स्वप्न है तो मैं इस स्वप्न को सच करके रहूंगा। अयोध्या के राज्य की समस्त राज्याभिषेक की सामग्री और अयोध्या का राज मुकुट ले जाकर वही वन में भैया राम का राज्याभिषेक करके उन्हें अवध का राजा बनाकर उन्हें पुनः लेकर आऊंगा मां। और ऐसा करने के लिए अगर इस भरत को अपने प्राण भी त्यागने पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा मां। अब चाहे जो हो, हमारे राजा केवल राम हो गए, ये मेरी अखंड प्रतिज्ञा है मां। और इस तरह भरत अपनी माताओं, मुनि वशिष्ठ, समस्त मंत्रिमंडल, निषाद राज गोह और अयोध्या वासियों सहित चित्रकूट श्री राम की ओर निकल पड़ते। चित्रकूट में अयोध्या की विशाल सेना को देखकर लक्ष्मण भरत पर संदेह का बाण उठाते। वो आ गया भैया, वो आ गया। भाभी जी, जब तक हम ना गए आप कुटिया से बाहर ना निकले। भैया वो आ गया है, और आप भी अपना धनुष बाण लेकर सज्ज हो जाइए। कौन आ गया लक्ष्मण? वही आपका लाडला भरत। भरत, भरत आ रहा है? अयोध्या का राज पाकर भी वो असुरक्षित अनुभव कर रहा है। उसने सोचा कि हम दोनों को वन में ही मारकर अपने मार्ग को हमेशा हमेशा के लिए निष्कंटक कर देगा। उसकी मां ने जो किया वो क्या कम था जो हमें यहाँ भी चैन से रहने नहीं देना चाहता। ये तू कैसी बातें कर रहा है लक्ष्मण? भैया आज आप मुझे मत रोकना, आज मैं भरत को जीवित नहीं छोड़ूंगा। राजमत पाकर अच्छे अच्छों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। अरे इंद्र जैसे देवता भी राजमत में उचित और अनुचित बुद्धि भूल जाते हैं। लक्ष्मण, राज का मत इंद्र जैसे देवताओं को तो हो सकता है, पर मेरे भरत को नहीं। अरे उसका स्थान तो देवताओं से भी ऊंचा है। अयोध्या का राज्य तो क्या, अगर त्रिलोक का राज्य भी उसे दे दिया जाए तो भी मेरे भरत को कभी राज का मद नहीं हो सकता। मैं उसे अपने आप से अधिक जानता हूं। आप सभी को अपने जैसा भोला समझते, भरत आपकी दृष्टि में साधु हो सकता है, मेरे नहीं। अगर उसके मन में कपट ना होता तो अपने साथ घोड़े हाथी और पूरी सेना लेकर नहीं आता। आपके इसी भोलेपन के कारण ही हमने हाथ में आया हुआ राज्य गवा दिया। भैया मैं नहीं मानता लक्ष्मण, मैं नहीं मानता।
भैया। राम है चंदन स्नेह के भरत विरह का ताप, चंदन ताप का मेल है राम और भरत मिलाप। भरत आपके स्नेह के योग्य नहीं रहा भर, मुझे भाई मत कहिए भैया, मुझे भाई मत कहिए। आज मेरे कारण आपकी ये दशा हुई है। जो नित नवी शस्त्रों से सुजज्जित रहते थे, अनेकानेक अलंकारों से सुसज्जित रहते थे, सैकड़ों सेवक जिसकी सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं, आज वो मेरे कारण अपनी जटाओं को बांधकर वलकल वस्त्र धारण कर वन में विचरण कर रहा है। इस सब की जड़ मैं हूं भैया, इस सब की जड़ मैं हूं। भाभी, आपका तो मैं सबसे बड़ा अपराधी हूं। आज मेरे कारण जिसे अयोध्या की महारानी बनना चाहिए था, आज वो तपस्विनियों के वेश में वन में विचरण कर रही है। मेरा जन्म आप सभी को दुख देने के लिए ही हुआ है। लक्ष्मण, मेरे भाई, मुझे क्षमा कर दे। लक्ष्मण, मुझे क्षमा कर दे। तेरे और उर्मिला के वियोग का कारण भी मैं हूं। अब मुझ में इतना साहस नहीं कि उस नादान बालिका के मस्तक के सामने देख सकूं। मेरे पाप इतने हैं कि आज मृत्यु भी मुझे समीप आने से भयभीत हो रही है। मेरे मन में आपके लिए द्वेष है, मैंने आपके ऊपर धनुष। अरे उठाया तो पगले चलाया क्यों नहीं? अगर चला दिया होता तो तुम्हारा मुझ पर बहुत बड़ा उपकार होता, और मुझ जैसे पापी को मारने से तुम्हें कोई दोष नहीं लगेगा। लक्ष्मण, चला देते तो अच्छा होता, मुझे अपना एक कलंकित मुंह लेकर भैया राम के सामने तो नहीं आना पड़ता। ये तो कैसी बातें कर रहा है भरत? तुम्हारे जैसा भाई तो ना कभी हुआ है और ना कभी होगा। परंतु तुम सब छोड़कर यहां क्यों आ गए भरत? माताएं पिताश्री सब कुशल तो है ना? भैया, क्या हुआ भरत? भैया पिताश्री। भरत, मेरा मन व्याकुल हो रहा है, क्या बात है? आपके मन की व्याकुलता उचित है भैया। पिताश्री हम सबको छोड़कर परलोक सिधार गए भैया, परलोक सिधार गए। पिताश्री भैया। लक्ष्मण, हम ना तो गए। लक्ष्मण मेरे भाई, लक्ष्मण गुरुदेव, माँ,
आपने आने का कष्ट क्यों किया माँ? मुझे बुलवा लिया होता। राम, तू मुझे ना दंड देता है ना ही क्षमा करता है। मैं ऐसे सबके तिरस्कार का पात्र बनकर नहीं जी सकती। मैं तो आपको दोषी ही नहीं मानता। तो क्या मानता है माँ? यदि तू मुझे अपनी माँ मानता है तो माँ की बात मान, अयोध्या लौट जा। मैया, अपने पुत्र से अपनी ममता का मोल मांगने आई हो? ठीक है माँ, यदि आपकी ममता का यही मोल है कि मैं जिसे धर्म मानता हूं उसे त्याग कर दूं, आप जिस रघुकुल की शोभा है उसके कीर्ति में पिता का वचन भंग करके उस पर कलंक लगा दूं, तो कहिए मां, मुझे आपके चरणों की सौगंध, मैं इसी क्षण अयोध्या लौट जाऊंगा। परंतु उसके उपरांत मेरा जीवन एक हारे हुए योद्धा के समान मृत शरीर जैसा होगा मां, जो जीवित तो होगा परंतु उसमें प्राण नहीं होंगे। यदि आपकी यही इच्छा है तो कहिए मां। मां, अब आप ही बताइए, क्या मैं जो चाहता हूं वो धर्म के विरुद्ध है? धर्म के विरुद्ध तो तू कुछ कर ही नहीं सकता भरत। तो फिर आप मुझे एक वचन दीजिए मां, अगर भैया राम अपने राज्याभिषेक करवाने से मना करते हैं तो आप उन्हें अयोध्या लौट चलने का आदेश अवश्य देंगी मां? आपका आदेश अचूक होगा मां, भैया आपकी आज्ञा का उल्लंघन कभी नहीं कर पाएंगे। भरत, मैं राम से कैसे कह दूं कि वो अपने धर्म को छोड़ दे? समझ गया, तो आप भी केवल भैया राम का साथ देंगे, मेरा नहीं? क्या मैं आपका पुत्र नहीं मां? भरत, मैं किसी का साथ नहीं दे रही, मां पक्ष ले ही नहीं सकती पुत्र। तुम दोनों का ये धर्म युद्ध देखकर मैं आत्मविभोर हो रही हूं, मेरी छाती गर्व से फूल रही है भरत। तो क्या मां आप नहीं चाहती कि भैया राम, लक्ष्मण, भाभी सब हमारे साथ अयोध्या लौट चले और हम सब साथ मिलकर खुशी खुशी रहें? अरे पगले, अवश्य चाहती हूं, ये दृश्य देखने के लिए तो मैं अपने प्राण तक दे दूं। तो फिर आप भैया राम को आज्ञा क्यों नहीं देती मां? क्योंकि मां स्वार्थी नहीं होती पुत्र। मैं चाहती हूं कि राम लौट चले, पर मेरे सुख के लिए मैं अपनी ममता को राम के धर्म के आड़े नहीं आने दे सकती। प्रेम में स्वार्थ नहीं होता भरत। मेरा हृदय भय से कांप रहा है मां। अगर भैया नहीं माने तो क्या होगा मां, तो क्या होगा? चिंता ना कर पुत्र, महाराज जनक का यह आगमन बहुत ही शुभदायक है। कल सभा में गुरु वशिष्ठ और महाराज जनक तुम दोनों के मुद्दे का कोई ना कोई उपाय अवश्य ही देंगे। सच मां? हाँ भरत। महादेव करे ऐसा ही हो मां, ऐसा ही हो। कहानी एक त्यागी
दूजा बलिदानी। राम, तुम धर्म के ज्ञाता हो, तुम ये अवश्य ही जानते हो कि भरत तुम्हारे पास एक याचना लेकर आया है और यहां उपस्थित हम सभी उस बात का समर्थन करने का भाव रखते हैं। हे पूज्यवर, गुरु की आज्ञा सर्वथा श्रेष्ठ और मंगलदायक होती है। धर्म अनुसार शास्त्र विहित आप जो भी आज्ञा देंगे मैं उसका पालन करूंगा। मांगने वाला उचित या अनुचित को अविचार नहीं कर सकता। हम सब यहां एक याचक बनकर आए हैं जिन्हें केवल भरत की आवश्यकता ही दिखाई दे रही है। भरत के अगध भ्रात्र प्रेम ने हमारी बुद्धि, हमारे विवेक को छीन लिया है। इस समय आत्मग्लानि और पश्चाताप से जलते हुए भरत के हृदय को ठंडक पहुंचाने हेतु जो आवश्यक हो वही करना चाहिए। भरत, तुम्हारा भाई करुणा सिंधु है, तुम अपने मन की बात उससे निस्संकोच होकर कह सकते हो। गुरुदेव, समस्त साधुगण, अयोध्या के मंत्रियों और समस्त अयोध्या वासियों, मैं आप सबके सामने इस बात का स्वीकार करता हूं कि महारानी कैकेयी ने छल से मेरे धर्मात्मा पिता को अपने शब्दों के षड्यंत्र में फंसाकर भैया राम को दिया हुआ राज्य उनसे छीनकर मुझे दिलवा दिया। वो राज्य जिन पर केवल भैया राम का अधिकार है। भैया, जिस प्रकार एक पुत्र अपने पिता के दिए हुए ही धन से अपने पिता के लिए भेंट लेकर आता है, उसी प्रकार मैं आप ही का राज्य आपको लौटाने लाया हूं। पिता अपने स्नेह के कारण उस पुत्र की भेंट को स्वीकार करते हैं, उसी तरह आप ये राजा विहीन अयोध्या के राज्य का स्वीकार करके पिताश्री के मनोरथ को पूरा कीजिए और हमें प्रायश्चित का एक अवसर दीजिए। भरत, तुम अपने हृदय में व्यर्थी ग्लानी कर रहे हो मेरे भाई। मैं महादेव को साक्षी मानकर यह कहता हूं कि तीनों काल और तीनों लोकों में तुम जैसा धर्मात्मा पुरुष न कभी हुआ है न कभी होगा। तुम्हें और माता कैकेयी को वही मूर्ख दोष देंगे जिन्हें गुरु से सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है। भरत, इन भावनाओं से ऊपर उठकर केवल इतना विचार करो कि जिस पिता ने अपने वचन पूर्ति के लिए न केवल मुझे त्याग दिया वरन मुझे त्यागने के दुख में अपने प्राण भी त्याग दिए, ऐसे सत्यवादी पिता के वचन को निभाना क्या हम चारों भाइयों का कर्तव्य नहीं है? उनकी आज्ञा थी कि उनका एक पुत्र वन गमन करे और एक पुत्र अयोध्या का राज्य संभाले। पिता की आज्ञा का पालन करना ही पुत्र का धर्म होता है। तो ठीक है भैया, अगर पिताश्री की यही आज्ञा थी तो आपके स्थान पर मैं वन में रहता हूं। आप भाभी सीता और लक्ष्मण को लेकर अयोध्या लौट चलिए, इससे पिताश्री का मनोरथ भी पूरा हो जाएगा और अयोध्या वासियों को उनका चहिता योग्य राजा भी मिल जाएगा। धर्म व्यापार नहीं होता भरत, जिसे अपने अनुकूलता के अनुसार अदला बदला जा सके। धर्म अति कठोर और व्यक्तिगत होता है, सभी को अपना धर्म स्वयं निभाना पड़ता है। जब तृष्णा की अग्नि उदर को जलाती है तब विवेक बुद्धि का साथ छोड़ देता है। भैया, मुझे केवल इतना स्मरण है कि मेरे बड़े भाई का मुझ पर अनन्य प्रेम है। जब बाल्यकाल में खेल खेल में मैं हार जाता था तो मुझे जिताने के लिए भैया आप हार स्वीकार कर लेते थे।
मैं आज भी आपका वही छोटा सा भरत हूं भैया। इस राज्य का स्वीकार करके स्वयं से हारे हुए भरत को जिता दीजिए भैया, अपने भरत को जिता दीजिए। तेरे लिए तो मुझे जन जन्मांतर तक हारना स्वीकार है मेरे भाई, परंतु तुम मुझसे कुछ ऐसा मांग रहे हो जिससे पिताश्री का वो वचन झूठा हो जाएगा जो उन्होंने माता कैकेयी को दिया था। बात अगर उन दो वचनों की है तो महाराज दशरथ से मांगे हुए वो दो वचन मैं वापस लेती हूँ। इसके लिए बहुत देर हो गई है माँ, आपको वचन देने का या वापस लेने का अधिकार केवल पिताश्री को था। तो ठीक है भैया, आप अपना धर्म निभाइए और मैं अपना धर्म निभाता हूं। मैं भी यहां इसी चित्रकूट में कुशाभिषेक अरण्य जल का त्याग करके तब तक बैठा रहूंगा जब तक इसका निर्णय नहीं हो जाता कि भैया राम को भरत प्यारा है या नहीं। मैं अपने प्राण दे दूंगा भैया, अपने प्राण दे दूंगा। ये तू कैसी बातें कर रहा है भरत, तुझे तो राम की भी उम्र लग जाए मेरे भाई। मैं तुझसे विनती करता हूं, मुझे ऐसे धर्म संकट में मत डाल। गुरुदेव मेरी रक्षा कीजिए, गुरुदेव आप समझाइए ना भरत को। तुम दोनों भाइयों के प्रेम ने मुझ जैसे ब्रह्म ज्ञानी को भी मोह में डाल दिया है। महाराज जनक, महाराज दशरथ के बाद दोनों परिवारों में आप श्रेष्ठ हैं, आपका निर्णय सभी को मान्य होगा। अब आप ही अपने बुद्धि से, अपने विवेक और ज्ञान से हम सबका मार्गदर्शन करें और हमें बतलाएं कि ऐसा क्या किया जा सकता है जिससे कि भरत के भाव का और राम के मान का दोनों का ही पालन हो सके। श्री राम और श्री भरत, इन दोनों में महान कौन है इसका निर्णय तो स्वयं ब्रह्मा भी नहीं कर सकते। दोनों ही ओर प्रेम और त्याग की पराकाष्ठा है। इतिहास में राज्यों को पाने के लिए कई युद्ध हुए और होते रहेंगे, परंतु प्रेम और त्याग का यह ऐसा अनोखा युद्ध, ये प्रेम द्वंद्व ना तो कभी हुआ है और ना ही कभी होगा। सत्य और असत्य के युद्ध में किसी एक का पक्ष लेना सरल है, परंतु जब युद्ध के दोनों ही ओर सत्य हो और विशेष तौर पर दोनों ही योद्धा स्वयं को हराकर दूसरे को जिताना चाहते हो, ऐसे में किसी एक का पक्ष लेकर उसे जिताना अत्यंत कठिन हो जाता है। परंतु इस दुष्कर परिस्थिति में अपना कर्तव्य समझकर मैं भगवान शंकर से प्रार्थना करता हूं कि वे जैसा उचित समझे मुझे प्रेरणा दे। राम, धर्म के प्रति तुम्हारी दृढ़ता देखकर आज देवता भी तुम्हारी वंदना कर रहे हैं। धर्म एक ऐसी शक्ति, एक ऐसा कवच है जो हम सबको संरक्षण प्रदान करता है, सबको जोड़ कर रखता है। धर्म के ही कारण हम सबका अस्तित्व है, धर्म से बढ़कर कुछ नहीं, परंतु प्रेम। प्रेम एक ऐसी नीति है जो धर्म के मर्यादा में रहकर भी धर्म से परे है। वो प्रेम ही है जो इस लोक में रहने वाले मनुष्यों को उस लोक में बसे अप्रगट भगवान से जोड़ देता है, और वो भगवान भी इस प्रेम के अधीन होकर सृष्टि के सारे नियमों को तोड़कर अपने भक्त की इच्छा पूर्ण करने में ही आनंदित होता है। प्रेम वो बंधन है जो सभी बंधनों से मुक्त करता है। राम, भरत का प्रेम निश्चल है, वो तुम्हारा अनन्य भक्त है, इसलिए आज भरत का पल्ला भारी है। भरत, तुम्हारी जीत हुई वत्स
परंतु स्मरण रहे प्रेम नीति के कुछ नियम होते हैं जो इसकी पवित्रता को बनाए रखते हैं। प्रेम की शुरुआत विश्वास से होती है और वो सेवा से प्रकट किया जाता है। प्रेमी और सेवक में यही समानता है कि वो अपने स्वामी से, अपने प्रेमी से कुछ नहीं चाहता, केवल निस्वार्थ भाव से उसकी सेवा करना चाहता है, उसे कुछ देना चाहता है। आज तुम ही स्वयं से पूछो, अपने श्री राम के लिए तुम क्या दे सकते हो? हे धर्मपिता, मैंने सदैव ही भैया राम को अपना स्वामी समझकर उनकी सेवा ही की है, और भैया राम की सेवा के लिए भरत अपने प्राण भी दे सकता है। मैं बस इतना चाहता हूं कि मेरे प्रेम का मान रख के इस अयोध्या के राज्य को अपनाकर पिताश्री की अंतिम इच्छा को पूरा कीजिए, और वही कीजिए जो यहां उपस्थित हम सभी की इच्छा है। क्यों मेरे अयोध्या वासी, क्या आप राम को राजा बनना देखना चाहते हैं या नहीं? मैं आपसे पूछता हूं, बताइए क्यों आए हैं आप यहां? वो कौन सी शक्ति है जो आपसे आपका सब कुछ छुड़वा कर इस वन में लेकर आई है? बताइए। मैं बताता हूं, वो शक्ति है आपके भैया राम के प्रति अनन्य प्रेम की, वो अटूट विश्वास की। आज एक ऐतिहासिक घड़ी है, आज आप सब भी यहां पर हैं और हमारे प्रभु राम भी। कह दीजिए उनसे जो कहने आए हैं, अन्यथा आप सभी को 14 वर्षों के विरह में जीना पड़ेगा और न जाने कितनों को मरना पड़ेगा, जैसे मेरे पिता महाराज दशरथ मरे थे। मेरे भैया दृढ़ संकल्पी है, ऐसा कुछ नहीं जो उन्हें विचलित या विवश कर सके सिवाय प्रेम के। तो उसी प्रेममय स्वर में लगाइए नाम नाम का नारा और फैला दीजिए चारों दिशाओं को राम नाम की गूंज से, तब तक जब तक उस नारों की गूंज भैया राम के कोमल हृदय तक पहुंचकर उन्हें विवश नहीं कर देती कि वो हमारे साथ अयोध्या लौट चले। लगाइए राम नाम का नारा, लगाइए श्री राम।
देखा भैया आपने, इन अयोध्या वासियों के जयघोष के नारों ने यह सिद्ध कर दिया है कि इनके हृदय में केवल राम है। राजा वो होता है जो न केवल राज्य पर अपितु हृदय के साम्राज्य पर भी राज्य करे। वो राजा केवल आप हैं भैया, केवल आप। क्या आप भी, आपको इस बात का संदेह है कि आपको अयोध्या लौट चलना चाहिए या नहीं? आप बताइए भैया, क्या जवाब देंगे आप इनके विश्वास का, इनके अनन्य प्रेम का, कि आप में इतनी शक्ति है कि इस नादान के निर्मल से प्रेम भरे हृदय को तोड़ पाएंगे आप? बताइए भैया, बताइए। बेटा, मैं तो निरंतर ही तुम्हारे साथ हूं। जब भी तुम अपने नन्हे से नेत्रों को बंद करके मेरा स्मरण करोगी, मैं उसी क्षण तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। ठीक है? वचन वचन। भरत, तुम मुझे अपने और इन सब के प्रेम का उत्तर मांग रहे हो, परंतु प्रेम का उत्तर प्रेम ही होता है। प्रेम व्यक्ति के हृदय को निर्मल बनाता है, निर्बल नहीं। मेरे प्रति आप सबका ये प्रेम ही मेरी शक्ति है। जब तक आपके हृदय में ये प्रेम विद्यमान, तब तक मैं निरंतर ही आप सभी के साथ हूं। हो सकता है कि काल का प्रभाव और हमारा प्रारब्ध हमें एक दूसरे से दूर कर दे, परंतु जुदा नहीं कर सकता। आप सभी अपने स्थान पर रह मेरा स्मरण करते हुए अपने व्यक्तिगत धर्म और कर्तव्यों का पालन कीजिए, उसी में मेरी प्रसन्नता होगी। और मैं भी आपके प्रेम को अपने हृदय में धारण करके 14 वर्ष तक आपसे पुनः मिलने की प्रतीक्षा करूंगा, क्योंकि जो विरह की वेदना को अनुभव कर सकता है वही वास्तव में मिलन के मिठास को चख सकता है। चौदह वर्षों का ये अंतराल हम सभी को सक्षम बनाएगा एक ऐसे सनातन मिलन के लिए जो कभी समाप्त नहीं होगा। आप सभी ने अपने हृदय में मुझे धारण करके सचमुच ही मुझे राजा बना दिया, किंतु यदि आप मुझे अयोध्या लौट जाने के लिए विवश करते हैं तो इसी क्षण आप मुझे एक राजा से भिक्षुक बना देते हैं, जो अपने पिता के वचन पूर्ति के लिए आपसे भिक्षा मांग रहा हो। कहिए कि आप सब मुझे एक भिक्षुक बनते देखना चाहते हैं? परंतु भैया, कुमार भरत, प्रेम की शब्दावली में परंतु जैसे शब्दों के लिए कोई स्थान नहीं। प्रेम शर्तों पर नहीं होता पुत्र। प्रेम के नाम पर अपने प्रेमी को विवश करना ये प्रेम की निशानी नहीं है। नियति ने आज तुम्हें वो अवसर दिया है जो किसी भी सेवक को बड़े भाग्य से मिलता है। आज तुम्हारा प्रेम तुम्हारी अपनी संतुष्टि के लिए है या अपने प्रेमी को अपार आनंद देने के लिए, इसका निर्णय तुम्हें स्वयं करना होगा। और तुम्हारा उत्तर अगर तुम्हें समर्पण के लिए प्रेरित करता है तो जाओ, जाकर बैठो अपने प्रभु राम के चरणों में और पूछो उनकी प्रसन्नता किसमें है, और वो जो कहे उसे प्रेम की सेवा समझकर करो। महाराज, आज आपने मुझे वास्तविक प्रेम और निस्वार्थ सेवा का उपदेश देकर मेरी आंखों पर पड़े तमाम अंधकार के पर्दों को हटा दिया। अब तक मैं केवल अपने कर्तव्य के बारे में सोचता था कि कैसे मैं अपने आप पे लगे इस कलंक को मिटा सकूं। अपने स्वार्थ को ही प्रेम समझ बैठा था महाराज, पर फिर भी आज आपने मुझे जिताकर भक्ति का दान दिया है। मैं आपका ये उपकार जन्म जन्मांतर तक नहीं भूलूंगा महाराज।
जन्मांतर तक नहीं भूलूंगा। बताइए भैया, आपके इस सेवक के लिए क्या आज्ञा है? जीतने वाले नीचे नहीं बैठते भरत। हाँ, तेरे प्रेम के सामने ये राम हार गया। जो राज्य की भेंट तुम मुझे देने आए हो, मैं उसे स्वीकार करता हूं। परंतु पिताश्री का वचन भी झूठा ना हो, इसलिए तुमसे एक विनती करता हूं कि 14 वर्षों तक ये राज्य मेरी जगह तुम संभालो। 14 वर्षों के बाद आकर मैं ये राज्य तुमसे ले लूंगा भरत। यदि आपकी यही इच्छा है भैया तो ठीक है। जाती 14 वर्षों का यह अंतराल मेरे पापों का प्रायश्चित होगा, पर स्मरण रहे भैया, अगर आपके वापस आने में 1 दिन की भी देरी हुई तो आपके चरणों की सौगंध खा के कहता हूं कि आप भरत की जलती हुई चिता देखेंगे भैया। नहीं भरत, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मुझे आने में 1 दिन का भी विलंब नहीं होगा। तुमने मुझसे प्रेम किया है, तुम मुझसे अपने प्रेम का मोल नहीं मान सकते। यदि प्रेम किया है तो प्रेमी के लिए बिन मोल ही बिक जाओ, क्योंकि प्रेमी से हारना ही प्रेम की सबसे बड़ी जीत होती है। वाह भैया, आप तो बड़े निर्मोही निकले। क्या मोल लगाया है भरत के प्रेम का। पर ठीक है भैया, आपकी इच्छा को सिरोधार्य करके मैं वही करूंगा जिससे आपको संतुष्टि हो। भैया, यदि आपसे कुछ मांगूंगा तो दोगे? अरे पगले, पूछता क्या है, बोल क्या चाहिए तुझे। भैया, मुझे अपनी चरण पादुका दे दीजिए भैया। चरण पादुका? हाँ, जब आप तो अयोध्या में होंगे नहीं तो सिंहासन पर कौन बैठेगा। मैं आपकी चरण पादुका को अपना राज्य चिन्ह बनाकर सिंहासन पर रख दूंगा। सीताराम का प्रत्यक्ष रूप मानकर सारे कार्य उनसे आज्ञा से ही करूंगा भैया, उनकी आज्ञा से ही करूंगा। कुमार भरत, तुम्हारी सदा जय हो, सदा जय हो, तुम धन्य हो। एक बार आपके चरण इस पर रख दीजिए भैया।
RG Media YouTube चैनल। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।